एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनन्या, आप सभी को मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं प्रेगनेंसी के ऊपर एक टिप्स। तो एक नहीं बहुत सारे टिप्स, आप कैसे जल्दी प्रेग्नेंट हो पाओगे, कंसीव कर पाओगे, तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। क्योंकि ये मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि डीप प्रेगनेंसी के ऊपर कुछ टिप्स शेयर करो, जल्दी हम कैसे कंसीव कर सकते हैं। और स्पेशली मैं भी चाहती हूँ कि जिसने माँ बनने के लिए मतलब तरस रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और बहुत सारे लोग जानते भी है, ये नॉर्मल कुछ टिप्स है कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उससे और भी ज्यादा नॉलेज आपको बढ़े इसके ऊपर और आप जल्दी कंसीव कर पाओ सारे टिप्स फॉलो करके, और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए मेरे साथ ऑब्वियसली आपको लास्ट तक जरूर रहना होगा। आजकल के दिनों में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम ऐसा एक प्रॉब्लम बन चुके हैं ना बहुत सारे लेडीज लोगों के अंदर, कि ये मतलब कॉमन हो चुका है। हर 10 लेडीज के अंदर 3-4 लेडीज को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में सफर करनी पड़ती है, और कभी कभी उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। बहुत इयर्स के बाद ट्राई करने के बाद उन्होंने सक्सेसफुल होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कंसीव कर जाते हैं। बट बहुत सारे लोग अभी तक तरस रहा है इसके लिए कि हम कब माँ बन पाएंगे। तो इसीलिए मैं फर्स्ट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट मैं आपके साथ बोलना चाहूंगी कि आप शादी के बाद से जितना अवॉइड कर सको बर्थ कंट्रोल पिल को, उतना आप अवॉइड करो। और कंट्रासेप्टिव पिल को, स्पेशली कंट्रासेप्टिव पिल को आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो, क्योंकि कंट्रासेप्टिव पिल के बाद ही हम लोग को हार्मोनल इम्बैलेंस चालू होने लग जाते हैं, और ये कंट्रासेप्टिव पिल हार्मोन को बहुत ही ज्यादा बिगड़ देते हैं। वो एकदम फिक्स्ड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाती है किसी किसी लेडीज के बॉडी के अंदर, और बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है। जस्ट कुछ दिन ये पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उसके बाद ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन सभी के बॉडी तो एक जैसे नहीं है ना गाइस। तो हर बॉडी के साथ एक ही काम होगा, या एक ही आपके सिम्टम आएगा, या एक ही आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए मैं बोलूंगा एकदम सेफली आपको रहना है शादी के बाद से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साल के बाद ही उनके फैमिली भी चाहते हैं कि एक बच्चा हो जाए, लेकिन उनका ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके वजह से भी हो सकते हैं कभी कभी बर्थ कंट्रोल पिल और कंट्रासेप्टिव पिल दोनों लेने से ही स्टार्ट हो जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके बाद पीसीओडी, पीसीओएस और भी सारी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम इसके वजह से भी होता है गाइस। इसीलिए आप जितना तर हो सके इसको अवॉइड करो। सेकेंड पॉइंट होगा आपके इरेगुलर पीरियड्स होता है तो उससे पहले फिक्स करो, उससे पहले रेगुलर करो। इरेगुलर के मतलब भी होता है अंडा अच्छे से नहीं बांध पाते या अंडा अच्छे से रिलीज नहीं हो पाते हैं, इसीलिए आपके कंसीव करने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, मतलब नहीं होता है आपके कंसीव, आप नहीं कर पाओगे। आप इरेगुलर पीरियड्स में आप सफर करोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए पहले आपको इरेगुलर पीरियड्स आ रहा है तो उसे फिक्स करो, उसे रेगुलर करो, उसके बाद जाके आप कंसीव करने के लिए ट्राई करो। थर्ड पॉइंट, आप ओवुलेशन रेट को ट्रैक करो। ओवुलेशन रेट को ट्रैक करके कंसीव करना बहुत ही इजी एक मेथड है। ओवुलेशन किट मार्केट पे मिलता है, उसे आप इस्तेमाल करके आपके ओवुलेशन रेट को ट्रैक कर सकते हो। ओवुलेशन रेट को ट्रैक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बिजी लाइफ में, क्योंकि हम लोग इतना बिजी रहते हैं, हर दिन पॉसिबल भी नहीं होता है रिलेशन में रहना, कौन सा दिन लकीली हो जाए, लेकिन ऐसा करने का जरूरत नहीं है। जस्ट ओवुलेशन रेट को ट्रैक कर लो और रिलेशन में रहो। आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपके पार्टनर का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप एकदम इजीली कंसीव कर जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, आप सिर्फ कंसीव करने के लिए आपके ओवुलेशन डेट ही ट्राई कर रहे हो, सिर्फ ओवुलेशन डेट के दिन ही आप ट्राई कर रहे हो कंसीव करने के लिए, ये भी नहीं है। आपके पीरियड्स एंड होने के बाद से ही आपके सर्विस के मुंह खुला रहते ही आपके स्पर्म उसके अंदर जाते हैं, तो उसके कुछ दिन बाद ही आपके ओवुलेशन हो जाते हैं, डेट निकल आते हैं, तो स्पर्म तो 24 से 72 आवर्स तक जिंदा रहते हैं अंदर जाके। इसीलिए आपको पीरियड्स डे एंड होने के लास्ट डे से ही आपको कंसीव करने के लिए ट्राई करना होगा, रिलेशन में रहना होगा। तो ये एकदम इजी एक मेथड है गाइस, आप कंसीव कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो आप अपने पार्टनर के साथ जब रिलेशन में रहोगे आपको तुरंत उठ के नहीं जाना है, आपको लेटे रहना है आधा घंटे तक। आधा घंटे तक लेटे रहने की वजह से सर्विक्स के अंदर स्पर्म जाने में बहुत ही हेल्प होता है, और आसानी से ये चले भी जाते हैं, बाहर निकल के आने का चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि
हैं आप भी देखोगे आप उसके बाद ही आप टॉयलेट यूज करते हो या आप वॉश कर लेते हो प्राइवेट एरिया को तो बहुत ज्यादातर चांसेस रहता है बाहर निकल जाने का स्पर्म। लेकिन आप आधे घंटे तक लेटे रहोगे तो स्पर्म अंदर जाने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और सर्विक्स के अंदर अच्छे से ये जा पाएगा, आप जल्दी कंसीव भी कर पाओगे। उसके साथ साथ आपको पोजीशन भी जानना होगा, कौन सा पोजीशन में आपको रहना चाहिए आपके रिलेशन के टाइम में जिसे आपके हेल्प होंगे सर्विक्स के अंदर अच्छे से स्पर्म जाना, तो फर्स्ट ड्रॉप ही अच्छे से सर्विक्स के अंदर जाए। इसीलिए आपको जो पोजीशन है उसे सही चुनना होगा। प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए ये बहुत ही अच्छा टिप्स है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, आप ओबेसिटी में सफर कर रहे हो तो पहले आपको थोड़ा वेट लूज करना होगा क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए आजकल ओबेसिटी बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है, स्पेशली इनफर्टिलिटी के लिए। इसीलिए आप थोड़ा ओबेस हो तो आपको थोड़ा वेट लूज करना पड़ेगा और हेल्दी खाना पड़ेगा। आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए तो आपको थोड़ा हेल्दी खाना पड़ेगा, इसीलिए आपके अंडा भी अच्छे से रिलीज भी होगा, अच्छे से अंडा बन पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है अंडा अच्छे से नहीं बनते हैं। मुझे भी रिक्वेस्ट आता है कि दी मेरे एक क्वालिटी अच्छा नहीं है, एक क्वालिटी को कैसे सही करें। इसीलिए आपको थोड़ा वेट लूज करना होगा क्योंकि ओबेसिटी के कारण भी अंडा नहीं बनते हैं कभी कभी और एक क्वालिटी बहुत ही बुरा रहता है। इसीलिए आपके डेली लाइफ का जो अनहेल्दी रूटीन है उसे चेंज करनी हो, हेल्दी खाना होगा आपको, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होगा, इसीलिए आपके एक क्वालिटी ज्यादा अच्छा होगा, एक मैच्योर होगा और अच्छे से अंडा रिलीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप फर्टिलिटी के लिए सारे मसाज रहता है वो मसाज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वो आप देख के करो। घर में आप अनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में सफर कर रहे हो उसके साथ साथ आप जल्दी कंसीव करना चाहते हो तो फर्टिलिटी जो एक्सरसाइज होता है उसे आप ट्राई करो। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैं बोलूंगी आप थोड़ा सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करो। आप कंसीव करना चाहते हो जैसे आयरन की गोलियां और इसके साथ साथ फोलिक एसिड, ये सारे दवाई आप लो तो इजीली अवेलेबल है कोई भी ड्रगिस्ट केमिस्ट शॉप में, उसे आप लो क्योंकि उसके वजह से आपके पीरियड्स डिटॉक्सिफाई होके आएगा और आप जल्दी कंसीव करने के लिए सक्सेसफुल भी हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बोलूंगी ज्यादा स्ट्रेस मत लो। आप जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करोगे तो सिर्फ उस पे आपको फोकस डालना है और कोई भी दूसरा पॉइंट पे आपको डिप्रेशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट आपको वही सोचना है कि आपको कैसे कंसीव होगा, कैसे आप कंसीव कर पाओगे, क्या करना है, आपको सिर्फ यही सोचना है, दूसरा कोई टेंशन आपके मन में नहीं लाना है क्योंकि बहुत तनाव आप लोगे तो ये हार्मोन के ऊपर असर दिखाता है और हार्मोन बिगड़ जाने से आप कंसीव नहीं कर पाते हो। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। लास्ट पॉइंट में मैं बोलूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, सभी ने बोलते कि दीदी मेरे तो एक भी बनता है, एक भी अच्छे से मैच्योर भी होता है, रिलीज भी होता है लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही, तो ये थोड़ा सा कुछ अंडरलाइंग डिजीज जैसा है। लेकिन उसके साथ साथ आपके पार्टनर का भी थोड़ा चेकिंग करना पड़ता है क्योंकि अभी तो इंडिया में बहुत कॉस्टली है मेल के लिए वो सारे टेस्ट करना, तो आपके मेल के लिए भी मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। उनके लिए बोलिए कि थोड़ा स्मोकिंग, थोड़ा अल्कोहल लेना ये थोड़ा कम कर दे। आप जब कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो बाहर का जंक भी मत लो, आप दोनों ही बोथ मेल फीमेल दोनों ही जंक मत लो, बहुत ज्यादा ऑयली मत लो, आपका प्रॉब्लम हो रहे है तो। और स्पर्म काउंट भी सही करना होगा, स्पर्म काउंट में डिपेंडेंट है इसीलिए आपके स्पर्म को भी सही करना है। लहसुन मिल्क के साथ मिला के आप पी सकते हो तो इसके वजह से बहुत ही अच्छा काम करता है, स्पर्म बहुत ही अच्छा होता है। और आप जो मटन लीवर होता है उसे भी आप खा सकते हो, मटन लीवर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको जितना एफर्ट डालना है आपके पार्टनर को भी उतना ज्यादा इसमें एफर्ट डालना चाहिए क्योंकि उनका भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उनको सारे कुछ बैड हैबिट को
छोड़ना होगा और साथ ही साथ कुछ अच्छा खाना पीना भी स्टार्ट करना होगा। आपके दोनों को ही स्टार्ट करना होगा कि सिर्फ करना एक के लिए मतलब एक ही सब कुछ कर लो और दूसरे कुछ भी नहीं करते, सारे बैड हैबिट है उनका, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दोनों का ही आपको अच्छे हैबिट लाना है, अच्छे डेली लाइफस्टाइल में आपको चलना है और सारे बैड हैबिट को तोड़ना होगा, आपको सारे को अवॉइड करना होगा। तो गाइस ये था मेरे आज के वीडियो जल्दी कंसीव करने के लिए छोटा मोटा कुछ टिप्स, आप मानोगे और ध्यान में रखोगे तो आपके लिए मे बी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर रहे हो आप तो बाजू में रहे बेल टिंग टिंग को भी दबाना, क्योंकि ये बेल टिंग टिंग आपके पास नोटिफिकेशन भेजते ही रहेंगे मेरे चैनल की तरफ से। तो चलो टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।